हाय एवरीवन कशिश जैन दिस साइड ऑल द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो पहले तो बता दो आज की इस वीडियो को ना ऐसे मत देखना कि कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है और आप देख रहे हो आज की वीडियो को आपको ऐसे देखना है कि आपकी मेकअप की क्लास चल रही है और आपको कुछ सीखना है क्योंकि आज तीन मेन चीजें कवर करने वाली हूँ पहला डस्क की स्किन पर बेस मेकअप कैसे करें दूसरा ये जो सुंदर सा आप आई मेकअप देख रहे हो उसे ईजी तरीके से कैसे, कैसे करें और तीसरा डस्क की स्किन पर न्यूड लिपस्टिक कैसे चूज करें तो ये तीनों टॉपिक मैं आज क्लियर आउट करने वाली हूँ क्योंकि आज मेकअप क्लास है तो शायद आपको बीच में डांट भी पड़ सकती है और बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं बीच-बीच में बताऊंगी तो सभी चीजों का ध्यान रखिएगा एंड गाइज अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह से आप अच्छे अच्छे मेकअप लुक सीखते रहो तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेकअप क्लास सबसे पहले बता दू स्किन टोन इनका डस्की है और इनका जो स्किन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन यानी कि ऑयली ज़्यादा है ड्राइनेस कम है बहुत कम जगह पे ही ड्राइनेस है तो हमें हम इसे एज अ कॉम्बिनेशन ऑयली कंसीडर करेंगे सबसे पहले मैंने पिक्सी का टोनर लगाया आपने स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट देख लिया प्लीज़ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ये ना करें कि मैम कौन सा प्रोडक्ट लगाया मैं ऑलरेडी मुँह से बता ही देती हूँ उसके बाद यहाँ पर मैंने शॉप्रेल का मॉइस्चराइजर लगाया क्योंकि वो वाटर बेस्ड है बहुत ही अच्छे से स्किन पर अप्लाई होता है मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करना उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो का प्राइमर लगाया था देन क्योंकि डस्ट स्किन है तो मैंने सबसे पहले लिया था कंसीलर कंसीलर जो मैंने लगाया वो था टाट का इवन आउट कर दिया मैंने इनके स्किन से एक टोन डार्क शेड का कंसीलर लिया था अब मैं पिक कर रही हूँ फाउंडेशन फाउंडेशन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है ओ जी का मीडियम फाइव जिसमें थोड़ा सा लाइट फोर मिक्स किया ताकि बैलेंस भी हो जाए और जो हमारा बेस है वो इवन आउट भी हो जाए मुझे शेड्स मिक्स एंड मैच करके लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे एंड अगर आप फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके अलग अलग स्किन टोन के फाउंडेशन कैसे बनाए तो उसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लास आ रही है ऑनलाइन क्लास की इंक्वायरी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन सेवन डबल टू एट डबल नाइन डबल सिक्स डबल फाइव तो कंसीलर करने के बाद यहाँ पे हमने फाउंडेशन लगा दिया है फाउंडेशन के ऊपर मैंने थोड़ा सा मेकअप फिक्सर कर दिया है ताकि अच्छे से वो फिक्स हो जाए क्योंकि डस्ट की स्किन में जब भी हम बेस करते हैं क्या होता है पता है या तो नाक से फाउंडेशन निकल जाता है या फोरहेड से निकल जाता है या माउथ एरिया से निकल जाता है तो मेकअप फिक्सर क्या करता है उसे अच्छे से सेट कर देता है मेकअप फिक्सर के ड्राई होने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे बेस को अच्छे से ब्लेंड करना है मैं डस्ट की स्किन पे मुझे बहुत ज़्यादा करेक्टर यूज़ करना नहीं अच्छा लगता क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही नेचुरल मेकअप जो है प्रेफर करते हैं डस्की स्किन वाले तो इसलिए मैं करेक्टर अवॉइड करके कंसीलर से ही सारा काम करती हूँ यहाँ पे मैं अगेन टाट का कंसीलर ले रही हूँ फेस हाइलाइटिंग के लिए क्योंकि मैं एक पार्टी या एक ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ जो हम रिसेप्शन में कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको फेयर कर रही हूँ आप चाहे तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने टाट का कंसीलर लिया है जिसका शेड है लाइट न्यूट्रल और जो फेस के हाईलाइटिंग एरियाज है बस वहीं पर आपको अप्लाई करना है वेल well, मुझे ना एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम ऑयली स्किन पे मेकअप दिखाओ मैम ड्राई स्किन पे मेकअप दिखाओ मैम कट क्रीज दिखाओ तो मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये जो कमेंट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों का ये वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुकी हूँ तो प्लीज़ आप एक बार ये सभी वीडियो चेक करें और फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर दें तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा क्योंकि सभी वीडियोज़ पर ना सेम सेम कॉमेंट्स आ रहे हैं मैम ड्राई स्किन मैम ऑयली स्किन अरे भाई इतना मेकअप में कुछ है नहीं मेकअप बहुत ईजी है आराम से आसान बनाओ उसे आप कठिन मत बनाओ क्योंकि ये आपके कमेंट्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है यार अभी तो मैंने कल तो ड्राई स्किन का वीडियो बनाया था आज फिर कमेंट कर रहे हैं ड्राई स्किन पे वीडियो बनाओ तो कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे फिर ये नहीं समझ में आता है कि अब मैं रिप्लाई क्या करूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो तो बनाई चुकी हूं तो रिप्लाई मैं इसीलिए नहीं कर पाती तो प्लीज गाइज सभी वीडियोज आप अच्छे से चेक कर लो फिर अगर कोई वीडियोज अगर आपको मेरे चैनल पर ना मिले तो आप कॉमेंट करो कि मैम इस पर वीडियो आप बनाइए तो मेरे लिए भी एक नया कॉन्टेंट होगा कि मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ अब यहाँ पे कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है ई का रिच कोको को। मैंने लिक्विड कॉन्टोर इसीलिए चूज़ किया है ताकि वो नेचुरल लगे क्योंकि डस्ट के स्किन पे मुझे ऐसा लगता है ना क्रीम कॉन्टोर बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा सो दैट इज़ वाई आई यूज़ लिक्विड कॉन्टोर ओनली और लिक्विड का जो फिनिश आता है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आता है अभी आप लोगों को बेस थोड़ा सा ऐसे हैवी सा लग रहा होगा लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम पाउडर अप्लाई करेंगे ना सब कुछ सटल हो जाएगा अब आप लोग देख सकते हो कॉन्टोर में अगर आप बहुत ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो मैं है ना पूरा एक ही साथ कॉन्टोर नहीं लगा रही हूँ मैं धीरे धीरे एक एक जगह पे लगा रही हूँ फिर उसे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना बच्चों जब हम लिक्विड कॉन्ट्रोल लगाते हैं लिक्विड बहुत जल्दी स्किन पर ड्राई हो जाता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लगा के ब्लेंड करना है समझो आपने मेरी वीडियो देखी पूरे फेस पर लिक्विड कॉन्ट्रोल लगा दिया अब वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा है फिर आप बोल रहे हो कि मैम ने तो उल्टा सिखा दिया भाई हमारा तो ब्लेंड ही नहीं हो रहा है इनका तो इतना अच्छा ब्लेंड हुआ तो आप लोग जब भी वीडियो देखते हो ना तो उसको स्किप करना बंद करो इसीलिए मैं अपनी जिंदगी के खाली दस मिनट मुझे दो दस मिनट आपका ही अच्छा होगा कि आप हर एक चीज से और में क्योंकि मैं यहाँ पे प्योर एजुकेशन देने के लिए बैठी हूं आप सभी लोगों को तो बिना स्किप किए हर एक चीज को देखो समझो जानो और कुछ समझ नहीं आए तो उस चीज को लिखो आपको चाहिए इंस्टाग्राम के डीएम में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते या आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपका क्वेश्चन हमें यूनिक लगा आपको हमारी तरफ से हंड्रेड परसेंट रिप्लाई आएगा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें अच्छे से पूरा वीडियो देखें अब हमने यहाँ पे कर दिया है कौन अब हम करने वाले हैं लूज पाउडर अब डस्किन स्किन पे अगर लूज पाउडर की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं लूज पाउडर येलो कलर आता है वाइट कलर आता है बेज कलर आता है तो मैंने इनको क्या किया है मैंने यूज़ किया है इनको बेज कलर का लूज पाउडर लौरा मसी का लूज पाउडर मैंने यूज़ किया है नस स्किन पे आप येलो भी यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है तो आप प्लीज़ येलो पाउडर लगाएं बट ठीक है मैंने इन इनको थोड़ा सा फ़ेयर किया था तो मैंने जो है बेज कलर का लूज़ पाउडर लगाया है आप इन पर येलो भी लगा सकते हैं यानी जिसे हम बनाना पाउडर बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है भाई कि बनाना पाउडर क्या होता है मैम ट्रांसलूसेंट क्या होता है ये सभी पाउडर है आप स्किन टोन के हिसाब से कलर सिलेक्ट करके लगाएंगे इतना ज़्यादा आप चीज़ जितनी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी और मेरे चैनल पे भाई ऐसा कोई फंडा ही नहीं है कि भाई ट्रांसलूसेंट पाउडर खरीद लो लूज़ पाउडर भी खरीद लो ये भी खरीद लो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पसंद आए आप देखो खरीदो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना है तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ से प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं देन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ब्लश ऑन ब्लश ऑन मैंने पाउडर यूज़ किया है मोर्फ का ब्लश ऑन है एंड मेरे आपने पिछले भी वीडियोज़ में ये वाली पैलेट तो देखी होगी आई एम डैम श्योर तो so, इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है नोज पे भी थोड़ा अप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा सा क्यूट सा लुक आ जाए देन यहाँ पे मैं मेरी मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर पैलेट ये ऑफ्र की हाइलाइटर पैलेट है जो कि बहुत ही नेचुरल लुकिंग शाइन देती है और आप लोग देख सकते हो आ क्या लग रहा है अब मेकअप तो बेस मेकअप में आ, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डस्ट स्किन का बेस मेकअप कि भाई आ, जिस तरह से हम फेयर स्किन पे करते हैं उसी तरह से डस्ट स्किन पे भी किया है उसी तरह से कंसीलर लगाना है उसी तरह से बेस लगाना है हाँ ध्यान इतना रखना है कि क्वांटिटी ज़रा कम यूज़ करना क्योंकि डस्ट स्किन पर ना मेकअप बहुत जल्दी निकल जाता है या फट जाता है तो आप क्वान्टिटी का ध्यान रखिएगा खासकर और स्किन प्रैप का अब हम आई मेकअप करने जा रहे हैं आई मेकअप थोड़ा सा सुकून से देखेगा बिना स्किप कीजिए देखेगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक भी पार्ट स्किप किया ना तो कुछ ना कुछ आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ निकल जाएगा तो आराम से बैठ जाइए और आई मेकअप इंजॉय नहीं करना है अच्छे से सीखना है तो आईब्रो डिफाइन सबसे पहले कर लेते हैं आईब्रो डिफाइन में आपको क्या बात याद रखनी है आगे से आईब्रो जो है लाइट होनी चाहिए और जिस तरह से आप पीछे जाओ आप डार्क कर सकते हो बट आगे से लाइट ही होनी चाहिए अगर आगे से आप डार्क कर दोगे क्लाइंट डांटेगा आपको तो मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी क्लाइंट डांटे तो आगे से हमेशा लाइट रखेगा आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है एनास्ताशिया का पोमेट जिसका शेड है डार्क ब्राउन अब मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ वाइट आई बेस वाइट आई बेस इसीलिए ताकि जो भी मैं कलर्स अप्लाई करूँ वो अच्छे से लग जाए अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ आप लोगों ने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे हैं राइट तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये वाइट बेस को यानी जो भी आई बेस में लगाती हूँ उसको मैं पाउडर से सेट करती हूँ या नहीं मुझे आप बताए ना अगर आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे को बहुत ध्यान से देखा होगा सुना होगा ना वो इसका आंसर देगा ही देगा तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मेरे आई बेस को पाउडर से सेट करती हूँ या नहीं करती हूँ कमेंट डाउन एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग जेनवनली वीडियो पूरा देखते हो तो मुझे पता चल जाएगा आप में से कितने लोग देखते हो सच में उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक ऑरेंज कलर का आई फिर मैंने यहाँ पे बेज कलर का काजल लगाया है शॉपरेल का काजल है ये और आई शेडो जो मैं यूज़ करी हूँ वो है अवानी पैलेट जो कि मोर्फ ब्रांड का है और मैंने सोचा यार वाइट काजल मैंने बहुत बार लगा दी आज है ना बेज कलर का काजल लगाते हैं यानी स्किन कलर का काजल फिर आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा डार्क मरून शेड लिया है इनकी जो गाउन का कलर है वो पूरा रेड है तो रेड के हिसाब से मैंने सोचा ब्राउन में तो बहुत मैंने बहुत बार ब्राउन कर लिया है तो आज है ना रेड और मरून पे ही काम करते हैं पूरा क्योंकि हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने जो कपड़ा पहना है उस कलर का आई हमको आँखों पर चाहिए तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है कि जो उन्होंने पहना है उसी तरह के जो कलर्स हैं हम लोग आई मेकअप में दे फिर यहाँ पे दो कलर लगाने के बाद हम बहुत ही आराम से क्रीज़ लाइन बना रहे हैं क्रीज लाइन बनाने के लिए मैंने वाइट आई बेस का यूज़ किया है अगेन अच्छे से एक फ्लेड ब्रश की मदद से आपको क्रीज लाइन बनानी है वेल well, ये जो क्रीज लाइन का प्रोसेस है ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी आपसे आपको एटलीस्ट दिन में आप एक से दो बार सिर्फ क्रीज लाइन की प्रैक्टिस करो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा आई मेकअप करो लेकिन सिर्फ क्रीज लाइन की प्रैक्टिस करो उससे आपका हाथ साफ हो सकता है एंड अगर आप चाहते हो कि आप हमारे से और भी पर्सनल मेकअप के बारे में सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो हमारी बहुत ही बड़ी ऑफलाइन क्लास आ रही है ऑफलाइन क्लास की डिटेल्स के लिए आप हमें सेवन डबल टू एट डबल नाइन डबल सिक्स डबल फाइव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में सिर्फ मेकअप नहीं सिखाया जाता भाई सोशल मीडिया से लेके बिजनेस मैनेजमेंट ले लो क्लाइंट मैनेजमेंट ले लो क्लाइंट कैसे आए अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए ये सारी चीज़ें भी हम कवर अप करते हैं क्योंकि मेकअप तो सब सिखाते हैं लेकिन हम जिंदगी सिखाते हैं भाई तो एक बार इंक्वायरी ज़रूर लीजिएगा ऑफलाइन कार क्लास की तो ये क्रीज़ बनाने के बाद और इतनी सारी बातें करने के बाद फिर से आए मेकअप पर आ जाते हैं तो मैंने आउटर कॉर्नर पर अगेन फिनिशिंग दिया है अब मैं क्रीज के जो आधे पार्ट पे रेड कलर का आई लगा रही हूँ एंड ट्रस्ट मी मैंने ना ऐसे रेड कलर कभी भी ऐसे यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये आई मेकअप मुझे इतना पसंद आया है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था मैम टुटोरल जी टुटोरल जी, जी और तो ये लो टुटोरियल <laughs> तो यहाँ पर रेड आई लगा दिया है और मैं है ना इनर कॉर्नर पर मुझे बहुत डार्क डार्क आई अच्छे नहीं लगते तो मैंने एकदम स्किन कलर का शेड मैंने इनर कॉर्नर पर लगा दिया है और इसको फिनिशिंग दे रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर पे अब मैंने सोचा बड़ा ही सिंपल लग रहा है इसको थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं तो मैंने टू वे जेल लगा लिया और उसके ऊपर रेड कलर का ग्लिटर लगा दिया ये ग्लिटर का भी जो प्रोडक्ट लिंक बनाया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन पर वहाँ से आप ये ग्लिटर बाई कर सकते हो सो so, रेड कलर का ग्लिटर लगाने के बाद मैंने बोला यार अभी भी थोड़ा प्लेन लग रहा है तो मैंने नेक्स्ट uh, मैं यूज़ करने वाली हूँ सिल्वर कलर का डायमंड पिगमेंट जब भी मुझे है ना आई मेकअप में जान डालनी होती है ना तब मैं डायमंड पिगमेंट यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब ये और भी ज़्यादा खिल रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है तो ये मैंने यूज़ किया सिल्वर कलर का डायमंड पिगमेंट दोनों तरफ एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है भाई ये तो आप सब जानते ही हो फिर यहाँ पे मैं लोवर लैश लाइन रही हूँ मैंने एकदम वॉम ऑरेंज कलर का आई लिया है लोवर लैश लाइन पर हमने कुछ ज़्यादा आज लोअर लैश लाइन पर नहीं किया है देन मैंने यहाँ पे किया है विंग आई लाइनर कल्बा का विंग लाइनर एंड 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 जैसे कि मैंने बोला ये क्लास चल रहा है आप सभी को ये लुक रिक्रिएट करना है और आप मुझे सभी इंस्टाग्राम डीएम में ये लुक भेजना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टोरी लगाओ आप मुझे डीएम में भेजो मुझे देखना है आप में से कितने लोग इस लुक की प्रैक्टिस करने वाले हो जिसका लुक मुझे अच्छा लगा मैं खुद मेरी स्टोरी पर लगाऊंगी तो जल्दी से अभी काम पर लग जाओ और ये लुक की प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस जब भी आप करो ना ये वीडियो ओपन करके प्रैक्टिस करना ताकि छोटी छोटी चीज़ें आप डिटेल में सीख सको देन यहाँ पे मैं यूज करी मेबली का मस्कारा क्योंकि अब हम आँखों में चार चांद लगाने वाले हैं लैशेज लगाने वाले हैं एंड मस्कारा के बाद लोअर लैश लाइन पर भी अच्छे से मस्कारा कर देना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने उसको ऐसा स्ट्रेट पकड़ा हुआ है अगर आप स्ट्रेट रखोगे ना तो आपके आई में लेंथ आएगी तो लेंथ के लिए आपको इस तरह से होल्ड करना है यहाँ पे मैंने लैश अब के आई लगा लिए हैं अच्छे से थोड़ी बड़ी बड़ी मैंने लैशेस लगाई हैं मैंने सोचा यार इतना ग्रैंड लुक है तो बड़ी लैशेस ही लगाते हैं और जब मैं नॉर्मल लुक करती हूँ ना तब मैं नेचुरल लैशेस लगाती हूँ और कुछ एडवांस लुक करती हूँ तो मैं मिंक लैशेस लगाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले लैश एंड देन बारी आती है थोड़ा बहुत हम हाइलाइटर यहाँ पे कर देते हैं तो मैंने आईब्रो बोन पे हाइलाइटर कर दिया तब तक मैं थोड़ा बहुत आपके लिए लिपस्टिक एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको डस्क की स्किन के लिए लिपस्टिक लेनी है तो आप मिसक्लेर का जीरो टू नंबर ले सकते हो बहुत ही अमेजिंग शेड है ईबा कॉस्मेटिक का आप एल ले सकते हो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है ऑन डस्की स्किन उसके अलावा जो शेड मैं आज की इस वीडियो में लगाने वाली हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखने को मिलेगा सबसे पहले डस्ट स्किन पर आपको एक ब्राउन कलर का बॉर्डर देना है क्योंकि ब्राउन कलर डस्ट स्किन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है तो मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर का बॉर्डर दे रही हूँ देन यहाँ पे जो मैंने लिप शेड यूज़ किया मैंने बहुत ही लाइट कलर का लिपस्टिक यूज़ किया इसके लिए मैंने शॉपरिल की पैलेट यूज़ की है शॉपरिल की लिपस्टिक पैलेट का पहला शेड मैंने इनको लगाया हुआ है पर मैंने जो दो शेड बताया है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे क्योंकि वो पर्सनली मैं मेरी ब्राइट्स के लिए यूज़ करती हूँ देन मैंने इसके ऊपर ग्लॉस लगाया है जो कि गुची ब्रांड का ग्लॉस है वो मैंने एड ऑन किया है एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि डस् की स्किन पे लाइट कलर के न्यूड शेड अच्छे नहीं लग सकते ये वीडियो उन सभी के लिए कोई भी स्किन हो अगर आप अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगा रहे हो ना तो सभी शेड्स अच्छे लगते हैं और मैंने इनको बहुत ही लाइट शेड अप्लाई किया और आप लोग देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ये यू नो मेकअप पूरा लग रहा है आज का हमारा ये मेकअप यहीं पे खत्म होता है आई होप आपको मेकअप की क्लास में बड़ा ही मज़ा आया होगा एंड अगर आपने मज़ा किया है ये तो भाई लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे मेकअप सीख सके और इसी तरह मेकअप देखते रहो प्रैक्टिस करते रहो यार एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी इससे भी बेहतरीन तब तक के लिए टेक केयर एवरी